हैं सब पुलिस मैडम मन मारे जेल में पिटाई नहीं हुआ है भैया, नहीं ये मारे थाने में। घर से ले जाते समय भी जिला प्रशासन और गृह मंत्री की सीधी सीधी नाकामी है और हम इसका विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। बेदर्दी से मौत किए गए हैं, जहाँ उंगली भी टूटा गया है। सब लमारे वो छाते पूरा गुदल रहे हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से मानवता को शर्मसार करने के साथ साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुला मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर पहले 15 तारीख को कचरू साहू, फिर रघुनाथ साहू और प्रशांत साहू की हत्या के शक में गिरफ्तारी हुई और पुलिस कस्टडी में पीट पीट पककर अमानवीय टॉर्चर के बाद हत्या करने का गंभीर आरोप परिवार लगा रहे हैं। इन आरोपों की पुष्टि होती हुई प्रतीत हो रही कि तस्वीर और वीडियो में प्रशांत साहू के पीटने और पूरे शरीर के काला पड़ने समेत अमानवीय टॉर्चर की तस्वीर साफ साफ दिखती और ग्रामीण बता रहे हैं। पूरे मामले के लिए आप भिलाई टाइम्स की रिपोर्ट को भी देख सकते हैं जो ग्राउंड जीरो से है। विशाल की रिपोर्ट में इस पूरे मामले की चीजें और लोगों की जबानी जो तथ्यात्मक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए, पीड़िता की मां ने, पीड़िता की पत्नी ने, पीड़िता के भाई ने, आखिर किसी को शक यानी विचाराधीन मामले में जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। हम सब हम घर में रहन, छोटे बेटा बस नहीं रहे घर में, तो पूरा बेटा मन मोर घर में रहे, दोनों बेटा घर में रहे, मैं घर में रहा और घर में हमन रहन, मोला बुखार रखे रहे, मैं घर में सो रहा हूँ, एला मैं जानता हूँ, घर में आके लात मार के कपाट लटोर के हमला ले जे हैं, एला बस जानता हूँ। उठी का हुआ थे ओला मैं नहीं जानू, ताई दादा हो अत के दुख ला जानता हूँ। अभी बेटा के जो है सोल है, आप कहाँ रहो? दुर्ग में रहा मैं, तो दुर्ग में। हाँ कैसे कर रहा? अब दुर्ग में हम लोग ले गए हैं सब इन मार डंडा करके जेल में। जेल में ओला मैं नहीं जानो, दाई दादा ओला मारे हैं मोर बेटा तो साबुत गोलेंदा बरोबर मोर चकनार बेटा मोर गोला मुंह के बेटा उत्कपन मोर बेटा कोनो नहीं है बेटा ओकर आगू में कैच नहीं हो दाई दादा हो मैं ओकर रेड़ेकपुर तो नहीं हो बामन राजपूत कस मोर बेटा दाई आज मोला कैसे ठगे रे पर्सन कौन लोग सब पुलिस वाले मारे हैं आपके साथ क्यों मारपीट किया नहीं जानो मैं उसका पर जानो नहीं मोला घर ले मारत पीटत ले जे हैं अच्छा नहीं वो थाना में ले क्या मारे हैं ये सब पीटे हैं ये दे पूरा मारे हैं ये पीठन पूरा फूल गए मार में आप भी नहीं चल पा रहे हैं नहीं मोर बेटा मन रेंग नहीं सकत रहे मार के मारे अतका मारे हैं लात में मारे जूतम पाए जूतम मारे मन पीपी के आया के मारे अत एक मोट मोट के चड्डी ला खोल खोल के मारे गाय नंगा करके मारे मोर बेटा मन ला एक जग तिराते एक जग मारे एक जग तिराते एक जग मारे मोल थक गये का है अब आप कहा चला था मामला मैं कहा जानू दाई दादा न्याय मिलना चाहिए कैसे टाइप के कार्रवाई चाहते हो कहा चाहते हो अब हूं नाम दिन ला सब ला निकाल दो दाई दादा वो नहीं तो हूं मन्नी जी है या वो क्या किसी को टॉर्चर की इतनी इजाजत हो सकती है? एडिशनल एसपी को सस्पेंड करने से क्या मेन गुर्गिया और जिसकी वजह से ये पूरा कांड शायद दिया गया है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। अमानवीय टॉर्चर का गंभीर आरोप एडिशनल एसपी विकास कुमार पर लग रहा है और परिवार वाले भी और तमाम चीजें। प्रशांत साहू की हत्या कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं है पीट पीट कर, लेकिन इसी के साथ अन्य जो अच्छा आपके साथ कितने महिला वहाँ दुर्ग में से? 33 रहे। हाँ उनके साथ भी मारपीट हुआ है? हाँ पूरा 33 है। क्या हालत है? वो पूरा इसने चारों हाथ गोड़ में रेंगते हैं, उठन सके बैठन सके ऊपर हाली आओ काम करवाते हैं, धमकी चमकी दे के चलो ऐसे झाड़ू पोछा लगाओ ऐसे कह के, खाना में ठिकाना पीना में ठिकाना कुछ में ठिकाना हुआ, अब हम कैसे करबो, अब हमारी इलाज कैसे हुई, अब इलाज करा था। जानकारी के मुताबिक उनमें से अधिकतर चलने फिरने की हालत में नहीं है, क्या उनके साथ भी ये अमानवीय टॉर्चर किया जा रहा है या किया गया है? आखिर किसके इजाजत पर कानून किसे इजाजत देती है?
किसी तथ्य को उजागर करना, अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन किसी को जानवर बनाकर मानवता मानवाधिकार का उल्लंघन क्यों होता है? लाइन ऑर्डर का फेलियर नजर आता है कि अभी तक 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, 2 की बाहर और 1 की पुलिस कस्टडी में, और महिलाओं के साथ यहां पर जो किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बताया जाता है पी पी कर पुलिस वालों ने कवर्धा के लोहढिया थाना क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों यानी पुरुष पुलिस वालों ने भी पीटा। भैया को भैया के साथ जान पहचान थे सर, पुलिस वाले थे सर, तो उसको ले जाए थे उधर देखने के लिए सर, तो वहां से घर पे सब घर वाले बुलाए सर उसको, तो सब लोग घर में थे सर, सबको मारते हुए घर में पीटते हुए से ले जा लिए सर, इसके पापा को तो बिना कपड़ा के ले जाए सर, बहुत पीटे सर, हम दोनों देरानी जेठानी है सर, वो दे कुछ नहीं हो रहा है, मारे छे सर, कैसे मार दी सर, बताओ सर आप। उसकी गवाही, तस्वीरें, वीडियो बहुत कुछ देती नजर आती हैं। बहरहाल पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, और ये मामला सनसनीखेज तब हो जाता है जब गृह मंत्री, जिनके हाथों में राज्य की कानून व्यवस्था होती है, विजय शर्मा के गृह राज्य से है और मारा गया आरोपी उनका बेहद करीबी है, यहाँ सीधे सीधे पुलिस कस्टडी में हत्या, वो अलग बात है। पुलिस की अपनी थ्योरी है कि उसे मिर्गी का दौरा आता, दुनियादारी, किसी के शरीर पर चोट के निशान, हाथ, अंगूठा, और ये तस्वीरें अंधे को भी बताने के लिए काफी हैं कि उसके साथ क्या नहीं किया गया, जेल थानों में किन्होंने टॉर्चर रूम बनाकर रखा है, किसने और किसके आदेश पर। पूरे मामले की जड़ में जाएं तो 15 सितंबर को कचरू साहू की बाघा मो मध्य प्रदेश की सीमा के पास पेड़ पलट की लाश मिलती है। उसके बच्चों के मुताबिक उसका हाथ टूटा हुआ था, चोट के निशान थे और पुलिस तो उसे सुसाइड बताया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चीजें निकलती है, लेकिन जिसका हाथ टूटा हुआ फांसी कैसे लगा सकता है। और उसके बाद उसी के रघुनाथ साहू के घर में भीड़ हिंसा करते हुए आग लगाकर हत्या कर देती है। इसके बाद फिर उसकी हत्या के शक में इन लोगों को, जिसमें 70 से ज्यादा लोग हैं, 150 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज करने के बाद हिरासत में लिया जाता है। फिर पुलिस का ये अमानवीय टॉर्चर और प्रशांत साहू की हत्या छत्तीसगढ़ की सरकार पर और प्रशासन पर सवालिया निशान उठाती है। आखिर कानून का राज है या खुला गुंडागर्दी? विशाल की रिपोर्ट में अन्य अपडेट और पूरे कांड की कहानी जल्द मिलेगी।